अपने जीवन में मुसाफिर का किरदार निभाते रहिए, क्योंकि ठहराव जीवन का सूचक नहीं है। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, और आप देख रहे हैं कीरो क्लासेस। कल ट्यूसडे था, मंगलवार, और किसी कारणवश मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कल दिन था प्लस टू बायोलॉजी के लिए, जिसको आज अपने कंटिन्यू करेंगे। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये प्लस टू बायोलॉजी का प्लांट ग्रोथ चल रहा था, जिसके अंदर आज अपने इस लेक्चर वीडियो में ग्रोथ रेट को कंप्लीट करेंगे, वृद्धि दर को समझेंगे कि किस तरह से पादप है वो वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन उसे समय के सापेक्ष किस तरह से समझना होगा वो अपने देखेंगे। ग्रोथ रेट या वृद्धि दर को परिभाषित करने के लिए हम इसे समय के सापेक्ष समझते हैं। जिस तरह से एक घंटे में पादप ने कितनी वृद्धि दिखाई, चाहे वो प्राइमरी ग्रोथ हो या सेकेंडरी ग्रोथ हो, पादप ने कितनी वृद्धि एक घंटे में या एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में एक पौधे ने कितनी ग्रोथ दिखाई, वो है ग्रोथ रेट। जब अपने वृद्धि को समय के सापेक्ष समझते हैं या उसको दर्शाया जाता है, तो उसे बोलते हैं ग्रोथ रेट, ग्रोथ वर्सेस टाइम। और इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है वृद्धि और समय के सापेक्ष, तो एक सिग्मोइड कर्व मिलता है अपने को, उसे अपने ग्रोथ कर्व कहते हैं। वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल ग्रोथ क्या है, टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष जब हम वृद्धि को दर्शाते हैं, तो उस टर्म को, उस शब्दांश को अपने वृद्धि दर कहेंगे। तो वृद्धि दर क्या है, समय के सापेक्ष वृद्धि, उसे अपने पादप की वृद्धि दर कहेंगे। ग्रोथ रेट या वृद्धि दर दो तरह से दर्शाई जा सकती है। पादप दो तरह की वृद्धि दर्शाता है, एक तो है एरिथमेटिक, अंकगणितीय, और दूसरी जो वृद्धि का पैटर्न है, डिजाइन है, वो होता है ज्योमेट्रिक, ज्यामितीय वृद्धि दर। तो दो तरह से वृद्धि होती है, एक ज्यामितीय होती है, दूसरी अंकगणितीय होती है। तो पहले अपने समझते हैं अंकगणितीय वृद्धि क्या होती है। इस पिक्चर में एक ऑरेंज कलर की मदर सेल दिखा रखी है, उसमें है डिवाइडेबल कैपेसिटी, वो बार बार डिवाइड हो सकती है, विभाजित होने की क्षमता रखती है। और वो कौन से उत्तकों में पाई जाती है, वो पाई जाती है मेरिस्टमैटिक या विभज्योतक प्रकार के जो उत्तक होते हैं उनके द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये एक अपने पास विभज्योतक की कोशिका है, जिसके अंदर बार बार विभाजन चलेगा, उससे दो डॉटर सेल बन गई। एक तो फिर से ऑरेंज कलर की है, दूसरी कौन सी है, पर्पल कलर की दिखा रखी है। जो पर्पल कलर की दिखा रखी है वो कोशिका अब स्थाई कोशिका में बदल गई है, यानी इससे उत्तक बनने, स्थाई उत्तक बनने प्रारंभ हो गए हैं। अब उनमें आगे और विभाजन नहीं होगा, लेकिन जो ऑरेंज कलर की दूसरी पुत्री कोशिका बनी है वो फिर से क्या होगी, डिवाइड होगी, और फिर से ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। फिर से एक ऑरेंज कलर की सेल बनेगी, जो कि फिर से विभाजित होने की क्षमता रखेगी, लेकिन जो पर्पल कलर की डॉटर सेल, नई डॉटर सेल बनी है पर्पल कलर की, उन्होंने विभाजन की क्षमता खो दी है। तो इस तरह से दो अपने पास परमानेंट सेल आ गई, और एक फिर से अपने पास ऑरेंज कलर की डिवाइडेबल कैपेसिटी वाली विभाजनशील कोशिका मिल गई है। ये फिर से विभाजित होगी, और फिर से एक ऑरेंज कलर की डिवीज़न वाली कैपेसिटी जो रखती है वो कोशिका अपने को मिलेगी, और फिर से एक अपने को परमानेंट सेल मिलेगी। तो इस तरह से तीन अपने पास, ओवरऑल तीन परमानेंट सेल मिल गई, और एक अपने पास मेरिस्टमैटिक सेल मिल गई, जिसमें फिर से आगे फर्दर डिवीज़न चलेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं 1:1 का अपने पास एक अनुपात मिलता है। देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक ऑरेंज कलर की, हर स्टेज के अंदर ऑरेंज कलर की एक ही सेल है, लेकिन जो परमानेंट सेल है पर्पल कलर से जिनको शो कर रखा है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस पैटर्न में अपनों ने देखा, इस अंकगणितीय पैटर्न में अपनों ने देखा कि विभाजनशील कोशिका का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो 1:1 ही रहेगा। हर स्टेजेस के अंदर एक ही विभाजनशील कोशिका अपने को दिखाई दे रही है, और जो बाकी है वो निरंतर क्या बढ़ती जा रही है, जो परमानेंट सेल है उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है।
तो 1:1 ही रहेगा, 1:1 के अंदर डिवाइडेबल कैपेसिटी वाली कोशिका अपने को मिलेगी, जो कि मेरिस्टमैटिक होती है या कह सकते हैं विभाज्योत्की प्रकार की होती है। इस प्रकार की ग्रोथ है उसको अपने बोलते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ रेट, या कह सकते हैं अंकगणितीय वृद्धि। और दूसरा सवाल उठता है कि ये किस प्रकार के ऊतकों द्वारा या कहाँ कौन से संरचनाओं में इस प्रकार की वृद्धि दिखाई देती है। जब अपने पादप की बात करते हैं तो पादप के कौन से भाग या कौन से समय में एरिथमेटिक ग्रोथ या अंकगणितीय वृद्धि दिखाई देती है, तो उसका उत्तर होगा जब पादप प्राइमरी ग्रोथ शो करता है, प्राथमिक वृद्धि दर्शाता है, जब उसका जो प्ररो है, शूट है, वो ऊंचाई में वृद्धि करता है, या जो उसका जो मूल तंत्र है, जड़ें हैं, वो गहराई में और आगे बढ़ती हैं, लंबाई में वृद्धि होती है, तो वहाँ पर एरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न चलता है, अंकगणितीय वृद्धि होती है। तो प्ररो के अंदर और दूसरा जो मूल तंत्र है उनकी जो प्राथमिक वृद्धि होती है, वहाँ पर अपने को इस प्रकार की अंकगणितीय वृद्धि देखने को मिलती है, एरिथमेटिक ग्रोथ देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ की या ज्यामितीय वृद्धि की। इसमें पिक्चर दे रखी है और इसमें जो पैटर्न दे रखा है उसमें एक पिरामिड बना हुआ है। सारी की सारी जो सेल्स है वो ऑरेंज या येलोइश कलर में दिखा रखी है, इसमें कोई ब्लूइश कलर की सेल नहीं है। इसका मतलब सभी के सभी जो सेल्स हैं वो डिवाइडेबल है, उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है, विभाजन की क्षमता है। वो सारी की सारी कोशिकाएं हैं वो स्थायी ऊतक नहीं हैं। वो सारी की सारी कोशिकाएं कैसी हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू की बनी मेरिस्टमैटिक कोशिकाएं हैं या विभाज्योत्की कोशिकाएं देखी जा सकती हैं, जिनमें निरंतर विभाजन की क्षमता पाई जाएगी। तो जो मदर सेल दे रखी है एक सिंगल, उससे फिर से अपने पास दो प्रोजिनी सेल्स या दो डॉटर सेल मिली है, वो ऑरेंज कलर की, इसका मतलब दोबारा से ये दोनों सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड होंगी, तो उससे चार डॉटर सेल्स फिर मिलेगी। और नेक्स्ट जो स्टेज है उसके अंदर 4 से 8 सेल्स अपने को मिलेगी, या फर्दर इस तरह का पैटर्न चलता रहेगा। तो यहाँ पर हर एक डॉटर सेल है वो क्या करेगी, डिवीजन शो करेगी, वृद्धि दर्शाएगी, या कह सकते हैं उसमें विभाजन दिखाई देगा। तो वो अंकगणितीय से बिल्कुल डिफर है, ये ज्यामितीय वृद्धि है, और इसमें जो पिरामिड संरचना बन रही है, पिरामिड की फॉर्म में ग्रोथ पैटर्न बन रहा है, इसी को अपने बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ या ज्यामितीय वृद्धि, जिसके अंदर हर एक सेल, हर एक डॉटर सेल है वो डिवाइडेबल होगी, विभाजनशील रहेगी। अब यहाँ भी सवाल उठता है कि इस प्रकार की वृद्धि कब और कहाँ दिखाई देती है, तो अपने बोलेंगे जब निषेचन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का या युग्मनज का निर्माण होता है और उसमें डेवलपमेंट चलता है, उसमें वृद्धि दिखाई देती है। उस समय जो वृद्धि होती है वो ज्योमेट्रिक टाइप की होती है, या कह सकते हैं ज्यामितीय प्रकार की वृद्धि होती है। तो आज का अपना ये जो लेक्चर वीडियो था वो ग्रोथ रेट पर था, अपनों ने 2 टाइप की ग्रोथ रेट पढ़ ली या 2 टाइप का ग्रोथ पैटर्न पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।